कोरोना संकट के चलते देशभर में बंद पड़े धार्मिक स्थलों को धीरे धीरे खोला जा रहा है। इसी क्रम में लगभग 6 महीने से बंद दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन की दरगाह रविवार को फिर से खोली गई। हालांकि दरगाह में आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ खास नियमों का पालन भी अनिवार्य रखा। कोरोना के कहर और लॉकडाउन के चलते बंद हजरत निजामुद्दीन की दरगाह को लगभग 6 महीने के बाद एक बार फिर से खोला गया है। मैं दिखाना चाहूँगा, हालांकि इसे आज 5 बजे से खोल दिया गया है और स्थितियां लेकिन इस बार पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। आज लोगों के सामने चुनौती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हालांकि दरगाह की ओर से एक ऐसा बैनर जरूर लगाया गया है कि सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, साथ ही साथ मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और एक चुनौती ज़रूर है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, दिल्ली सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो किया जाए। मैं दिखाना चाहूँगा, तस्वीरें बिल्कुल बदल चुकी हैं क्योंकि जो लोग दरगाह के दर्शन करने यहाँ पर पहुँचते थे तो अब वो मजार को छू नहीं सकेंगे। पूरी ट्रांसपेरेंट सीट लगाई गई है, यानी कि जो फूल चढ़ाए जाते थे, अगरबत्तियाँ चढ़ाई जाती थी, वो अब नहीं चढ़ाई जा सकेंगे। हालाँकि एक बॉक्स जरूर बनाया गया है, अगर कोई भक्त यहाँ पर फूल लाता है तो उस बॉक्स में डाल सकता है। लेकिन इस बार पूरी तरीके से चुनौती है क्योंकि देखा जा रहा है राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना का कहर तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में चुनौती यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरीके से किया जाए। हालांकि व्यवस्थाएं यहां पर काफ़ी की गई हैं, इस तरीके से यहां पर सैनिटाइज़र के लिए बॉक्स बनाए गए हैं जगह जगह। अगर बाहर से कोई प्रवेश करता है तो बाहर भी इस तरीके का एक बॉक्स लगाया गया है ताकि हाथ कोई भी व्यक्ति अंदर घुसे तो सैनिटाइज करके हाथ अंदर प्रवेश करें। साथ ही साथ इस तरीके के, मैं ज़मीन पर स्टिकर दिखाना चाहूँगा, पूरे जगह जगह स्टिकर लगाए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और गोले बनाए गए हैं ताकि कुछ कुछ दूरी पर लोग रह सकें। लेकिन चुनौतियां हैं काफ़ी। मौलाना साहब से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके का प्रोटोकॉल रखा गया है और क्या टाइमिंग रखी गई है। टाइमिंग तो सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक का है, लेकिन पब्लिक के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम बीच बीच में स्टॉप रोकेंगे हम लोग ताकि ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो यहाँ पर। थोड़े थोड़े लोग आएँ, 10-20-50 लोग आएँ और ज़्यादा जल्दी जल्दी करके उन्हें बाहर सलाम करके बाहर निकल। चुनौतियाँ ज़रूर हैं क्योंकि देखा जा रहा है राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज़ी से कोरोना पैर पसार रहा है। तो ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए क्या लोगों को भी नियुक्त किया गया है दरगाह की ओर? जी जी, यहाँ स्टाफ भी है, वो बाकायदा वो आपको चेकअप करके पूरे अंदर एंट्री करने देगा आपको और बराबर आपको रुकेंगे नहीं, यहाँ पर सलाम करिए और बाहर जाइए ज़्यादा देर टाइम। लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है छूने के लिए अनुमति नहीं है, किसी भी चीज़ को छूने के लिए मना किया गया है, खासतौर पर अगर मजार की बात की जाए। क्यों कहा क्या मानते हैं, स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है क्योंकि देखा जाता था पहले लोग फूल लेकर आते थे, अगरबत्ती लेकर आते थे, इत्र लेकर आते थे। नहीं, अगरबत्ती वगैरह तो जलाने की परमिशन नहीं है बिल्कुल भी। फूल भी आप बॉक्स हैं उसमें डालिएगा, अंदर मजार पर आप कुछ नहीं कर सकते। जो सुबह हम लोग खिदमत के टाइम फूल चढ़ाते हैं वही चढ़े रहेंगे, बाकी मजार को किसी को हाथ नहीं लगाने देगा। चादर या फूल जो भी कुछ आएगा वो बॉक्स है, वहाँ भी रखा है, इधर भी है, उसमें डाले। प्रोटोकॉल के तहत बच्चों को आने की अनुमति नहीं है और बुजुर्गों को, क्या उम्र की सीमा रखी गई है? 10 साल के कम से उम्र के जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसके हिसाब से फॉलो करेंगे पूरे। यानी कि 10 साल से कम और 65 वर्ष से अधिक बच्चे और बुजुर्ग यहाँ पर नहीं आ सकते। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि यहाँ पर लोग देश से, पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं। हम लोग तो यहाँ भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों के लिए दुआ करने का काम है और सबों को अच्छी यहाँ से शांति हिसाब से जो जी लोगों को ये सब लोग बाबा के दरबार में आ रहे हैं, जो लोग इंतजार में हैं कि बाबा का दरबार खुले, हम लोग कुछ सुकून हासिल करें, जो परेशानी है कारोबार की और बहुत सारी चीज़ें परेशानी है दुनिया की, वो सब के लिए बाबा के लोग अंत शांति के लिए दुआ मांगते हैं और एक दूसरे के लिए भी दुआ करते हैं, जो परेशान हाल हैं उनके भी हजरत सुनते हैं सरकार। आपको कहा जाए चुनौतियां जरूर हैं क्योंकि देखा जा रहा था लगभग 6 महीने से ये दरगाह पूरी तरीके से बंद था और ऐसे में मरकज़ का जब मामला सामने आया था तो मरकज़ एक हॉटस्पॉट बनकर उभरा था और उसके बाद से ही पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया था और लगातार इस तरीके की चुनौतियां इलाके से सामने आ रही थी और दिल्ली में भी लगातार केस बढ़ते जा रहे थे। लेकिन चुनौतियां इस बार और अधिक बढ़ चुकी हैं। हालांकि दरगाह को खोला गया है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए चुनौतियाँ ज़रूर हैं। लोगों से ही बात करने की कोशिश और भी करते हैं क्योंकि लोग अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि किस तरीके से सर आप दरगाह पर आए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग भी पूरी तरीके से डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, दूरी का पालन कर रहे हैं और इस समय जो लोग पहुंच रहे हैं वो दरगाह पर केवल मनोकामना मांग रहे हैं कि कोरोना के कहर को जल्द ही देश से पूरी मुक्ति मिल जाए और पूरे विश्व को इस वायरस से मुक्ति मिले। कैमरा पर्सन हरीश चंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।